अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी सर्दियों की कुछ ड्रेसेस जो मैंने बनवाए हैं, उनके डिज़ाइन आपको शो करने लगी हूँ इस वीडियो में। और चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने पहले ड्रेस की डिज़ाइनिंग और ड्रेस दिखाती हूँ मैं। ये मैं आपको इसका कैटलॉग दिखाती हूँ। ये है लाइमलाइट का, ये टू पीस सूट है कैमरे का, विंटर कैमरे का। ये बहुत अच्छा स्टफ है और मस्टर्ड कलर इज़ मोस्ट फेवरेट कलर। तो चलिए मैं आपको इसका दिखाती हूँ, मैंने इस तरह से स्टिच किया। तो पहले इसका मैं आपको ना ट्राउज़र शो करवा देती हूँ। इसका मैंने कौन सा कैप्री टाइप स्टिच किया है, ये इसको ऐसे स्टिच किया है मैंने, ये जो जैसे डिज़ाइनर ब्रांड्स के स्टिचर कैप्रीज नहीं मिल रहे। अच्छा, तो अब मैं आपको इसकी शो करवाती हूँ इसकी शर्ट। शर्ट का डिज़ाइन ये देखें, इसके स्लीव्स जो हैं वो इस पर यहाँ पर सेंट्रल लेस लगाई हुई है और ये चुनट्स वाले स्लीव्स इसके स्टिच किए हैं, ये आप देख सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन है ये, तो मुझे भी बहुत पसंद आए हुए थे, तो मैंने कोई दो तीन ड्रेसेस जो स्टिच किए ना उनके ऐसे ही स्लीव्स रखे हैं, बहुत पसंद आए मुझे। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये स्लीव्स। और इसका गला ये देखें आप, तो इसका गला है ये ओवरलैप गला बनाया मैंने और यहाँ नेक लाइन पे ये इसके साथ ना बुम सिलाई के साथ इसकी लेस लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो नेक डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये पहन के भी बहुत प्यारा लगता है ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट नेक डिज़ाइन कौन सा है आजकल, तो है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। और अगर इसके दामन की बात करें तो इसके दामन पे मैंने ये ना इस तरह थोड़ी गुम सिलाई के साथ ना लेस लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने इसकी लेस लगाई है। तो ये कुछ इसकी ओवर और लुक जो है ना वो इस तरह की नज़र आती है, ये देखिए नेक इसकी बहुत ही खूबसूरत लग रही है रेल में ना। तो अब मैं आपको अपना सेकेंड ड्रेस दिखाने लगी हूँ, इसको ओपन करते हैं। सर ये देखें, ये है वो वाला जो ड्रेस मैंने पहले दिखाया है, वो है लाइमलाइट का टू पीस था कैमरे का, और ये साया का है और ये भी टू पीस है। इसका स्टफ़ है थोड़ा सा ना, इसका स्टफ इसको क्रॉस हैच बोलते हैं, इस खद्दर की ये एक टाइप है और आजकल ये भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, खद्दर को रिप्लेस करके ना ये वाला स्टफ़ आ रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा, जिस भी ब्रांड पर देखेंगे ना आपको ये क्रॉस हैच ही स्टफ मिलेगा ना। अच्छा, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल से स्टिच किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो इसके साथ मैंने अभी जो सेपरेट दुपट्टा है वो मैच करना है। तो ये टू पीस मुझे मैजेंटा कलर बहुत पसंद था, तो रेल में भी ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, तो इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से मैंने ये लिया। तो इसकी क्योंकि नेकलाइन पे ऑलरेडी इस पर कढ़ाई की हुई थी, तो मैंने ना इसकी सिर्फ ये सिंपल गोल गला इसका स्टिच किया और इसकी इधर भी एम्ब्रॉयडरी है, दामन पे भी इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी है ना, ये देखें इसकी दामन पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी। तो इसलिए फिर ये थोड़े से यहाँ पे चाक पे थोड़ी सिंपल बन रहा था, तो मैंने ना चारों तरफ चाक पे ना ये लेस लगाई है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप दामन पे ये चाकू पे भी लेस लगानी ना, तो लेस हमेशा ना थोड़ी बारीक वाली थोड़ी छोटी सी लेनी चाहिए, जैसे तो चौड़ी वाली जो लेस होती है ना वो चाकू पे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, नीचे आजकल वो ट्रेंडिंग है, नीचे बहुत अच्छी लगती है, स्लीव पे भी अच्छी लगती है, लेकिन चाकू पे वो ज़्यादा चौड़ी वाली जो लेस होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें कि मैंने बारीक सी लेस लगाई है इधर भी और इधर भी बारीक सी लेस लगाई है, बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस भी, डीप मैजेंटा कलर है फ्रेश, इस तरह की कुछ लुक है इसकी। तो इसकी मैं अगर ट्राउज़र की बात करूँ तो इसका भी मैं ना सिगरेट पैंट टाइप ना ये ट्राउज़र स्टिच किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके सेंटर पे लाइन है जो फ्रंट पे आती है, जैसे आजकल ब्रांडेड ट्राउज़र के साथ होते हैं स्टिच मिलते हैं फ्रंट के, ये देखिए ऐसी कुछ इसकी लुक है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है इसके नीचे ना। और इसकी भी लेंथ ना मैंने थोड़ी सी लॉन्ग रखी हुई है आजकल, क्योंकि ना लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड आया हुआ है, तो शॉर्ट्स आजकल इतनी अच्छी लगती है, तो लॉन्ग के साथ वैसे शलवार भी बड़ी अच्छी लगती है, तो कैप्री जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ना लॉन्ग शर्ट के साथ ना कैप्री स्टिच किया है। सॉरी, इसके स्लीव्स तो मैं दिखाना ही भूल गई थी, तो ना इसके स्लीव पे क्योंकि ना इसके स्लीव थोड़े से ना ये देखें सादा से लग रहे थे, तो मैंने ना इसके सेंटर में ये सेंटर लेस लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें सेंटर लेस लगाई है मैंने इसके, और यहाँ पे भी वो बारीक वाली छोटी लेस जैसे मैंने चाकू पे लगाई थी ना वो वाली मैंने इसमें ना लेस लगाई है। अच्छा, तो ये अब मेरा थर्ड ड्रेस है विंटर्स का जो मैंने लिया है, तो इसके भी जो स्लीव्स हैं ना मैंने जैसे आपको बताया मुझे आजकल बहुत ही पसंद आए हुए हैं, कोई ये रबड़ डाल के जो चुनर्स वाले स्लीव्स हैं ना ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत प्यारे लगते हैं, ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में, वैसे भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं ना सर्दियों के कपड़ों के साथ किए जाए ना, ऐसे डिज़ाइन बनाए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि ना, और अपनी जर्सी वगैरह भी पहनी होती है ना तो फिर ऐसे ऊपर नहीं चढ़ती और बंदे को उलझन नहीं होती, तो समर में तो वैसे भी गर्मी लगती है, तो इसलिए ऐसे डिज़ाइन ज़्यादा ठीक नहीं रह जाते हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल फील करता है मतलब सर्दियों में अगर ऐसे डिज़ाइन रख लिए जाए ना। तो इसका क्योंकि ओवरऑल प्रिंटेड ही था, तो बस मैंने इसके ये रबड़ डाली है इसमें, और अगर इसकी नेकलाइन की बात करें तो इसकी नेकलाइन भी मैंने ओवरलैप कलर बनाया इसका ना, ये पैच किया हुआ था साथ, तो उसमें से लेकर कॉम्बिनेशन के साथ ये जो अलग से एक बॉर्डर था ना बॉर्डर पट्टी मैंने लगाई है, ये देखें ऊपर से गोल है, और इसके भी चाकू पे मैंने चारों तरफ ये लेस लगाई हुई है, छोटी वाली बारीक लेस लगाई है, ये देखें, और ये नीचे इसका बॉर्डर था, और ना इसके बॉर्डर पे जहाँ पे जॉइनिंग आ रही थी वहाँ पे मैंने सेंट्रल लेस यूज़ की है, इससे ना बॉर्डर बड़ा प्यारा लगता है, अगर ऐसे ही आप अटैच कर देना तो बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं आती और सूट बिल्कुल ही खराब हो जाता है, तो बॉर्डर के साथ हमेशा सेंट्रल लेस यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगता है ड्रेस ना। अच्छा, इसकी अब हम ट्राउज़र की बात करते हैं, तो ये भी लॉन्ग में मैंने शर्ट स्टिच की हुई है, तो इसका मैंने थोड़ा खुला खुला सा ना
कैपी स्टिच किया, थोड़ा सलवार टाइप हो, थोड़ा सा कैपी ऐसे ना, ज़्यादा तंग नहीं स्टिच किया, क्योंकि जो ये आई थिंक ये मरीना स्टफ है, ये भी लाइन लाइट का टू पीस लिया मैंने, ये विंटर मरीना है, थोड़ा मोटा है, तो ऐसा स्टफ हो ना तो इसके खुले खुले प्लाजो और ट्राउजर्स भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कैपरीज के कंपेरेटिवली ना। तो इसका भी नीचे यहाँ पे ये जॉइनिंग आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे सेंट्रल लेस यूज़ की है बस, और ये इसका बॉटल लगा दिया था, और तो इस स्टफ में ये ना खुला खुला सा ट्राउजर बड़ा अच्छा लगता है। जो इसकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखिए जी, एक ये और ड्रेस है उसका भी मैं आपको डिज़ाइन दिखाने लगी हूँ। ये भी ना लाइन लाइट का टू पीस था ये, तो ये इसका स्टफ जो है ना वो खदर है, तो ये देखें एक और भी मैंने रबड़ वाली स्लीव स्टिच की है, तो ये ठीक रह जाते हैं ना, कंफर्टेबल फील करता है बंदा। इसकी जो नेक लाइन है ना इसका ना बॉर्डर मिला हुआ था जो साथ में ना, तो ये वो बॉर्डर है, ये देखिए आप कितना प्यारा ये सीन कोई पैच है जो यहाँ मैंने अटैच कर दिया था। अच्छा, और इसकी जो स्लीव्स हैं स्लीव की ना चारों तरफ ये लेस लगाई हुई है, ये देखिए ये देखिए लेस लगाई हुई है, बहुत प्यारी लेस है, बीच में कुछ नहीं लगाया था बस चारों तरफ ना लगाई थी। अच्छा, तो ये है इसका कैपरी। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इससे ये होता है कि अगर आप बेल आइकॉन पर दबा लेंगे तो आपको जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, और मैं बहुत ही मज़े मज़े के डिज़ाइन इंशाल्लाह शेयर करूँगी बहुत जल्द। कुछ और ड्रेसेस भी हैं वो अनस्टिच है, तो उनकी जो डिज़ाइनिंग करूँगी वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये इसका ना, इसका भी ये लाइन आएगी फ्रंट पे कैपरी है, और इसकी ना ये लेस लगाई थी ट्राउजर के नीचे ना, लेस लगाई है एज यू कैन सी हेयर। ये ड्रेस है ये ना कॉटन स्टफ है, ये था जी ओरिएंट का, ये ओरिएंट का कुछ इस तरह से ना और पिक्चर से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शो करवाती हूँ नेकलाइन, नेकलाइन इस शर्ट की शो करवाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसकी ना गले पे ना ओवरऑल यहाँ पे लेस लगा के ये वी वाला गला बनाया है, ये देखिए सेंटर में ये जो ट्राउजर वाला कपड़ा था मैचिंग में वो लगाया, तो इस तरह कुछ इस तरह से ये नजर आता है इस तरह। अच्छा, अगर इसकी स्लीव्स दिखाऊँ मैं आपको, तो इसके स्लीव्स में ना ये देखिए मैंने ना इसके स्लीव्स में सेंटर में ये लेस लगाई हुई है, सेंटर लेस लगाई है इस तरह, बहुत प्यारी लगी थी ये भी। और इधर नीचे ना ये तंग स्लीव्स मैंने स्टिच किए हुए हैं, तो इधर ये थोड़ा सा बॉर्डर लगाया मैंने जो इसके साथ एडवांस में था कुछ, तो ये मैंने इसकी यहाँ पे स्लीव्स हैं तंग, ये थोड़ी सी चौड़ी लेस लगाई थी, ये बहुत प्यारी लगती है दामन पे, और स्लीव्स लगाई चौड़ी लेस बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैंने गुम सिलाई से लगाई हुई है, देख सकते हैं गुम सिलाई से लेस लगाई हुई है, तो ये कुछ इस तरह के इसके स्लीव लगते हैं। सॉरी प्रेस नहीं किया हुआ सूट, कब से ऐसे रखा हुआ मैंने स्टिच किया हुआ है कोई 15-20 दिन पहले, तो ऐसे ही पड़े। अच्छा, इसकी जो ना ये चाकू पर मैंने पाइपिंग की थी, तो ये चाकू पर पाइपिंग, ये देखें जब भी पाइपिंग की है, और आगे पीछे ना दामन पे मैंने लेस लगाई हुई है, ये देखिए फ्रेश मारून कलर है, ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है रेल में ना, और ये देखिए मैंने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई हुई है, कहीं पे भी आपको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा, गुम सिलाई के साथ बहुत अच्छी लगती है ना लेस। ये थोड़ा सा ना कैपरी और शलवार टाइप है, यहाँ पर मैंने ये पिंटेक्स डाली हुई थी, ये देखिए जी ये पिंटेक्स डाली हुई थी, और यहाँ पे फिर सेंटर में मैंने ये लेस लगाई थी, सेंटर लेस लगाई थी, जॉइनिंग लेस लगाई हुई है, फिर यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, और ये नीचे जो ना बुकरम लगा के, तो ये लेस लगाई हुई है, और इसकी लेस भी मैंने गुम सिलाई के साथ लगाई हुई है। एज यू कैन सी हियर, ये देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक आती है,